हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत एन आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फ़हीम अंसारी। मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हो, ये है मुरिया नगर में विनायक सावंत जी का घर है ये। और विनायक सावंत जी का घर जो है 1 BHK का रूम है, 300 स्क्वायर फीट का। तो मेरे पीछे जैसे देख रहे हो, ये हार वगैरह इन्होंने लगा के लिया है। तो अभी इस रूम का हम लोग पजेशन देने जा रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से हमारे से रूम वगैरह लिया है तो हम लोग विनायक भाई से बात करेंगे, इनके रूम को दिखाएंगे। आप रूम देख लीजिएगा। इन्होंने ये रूम 8 लाख रुपए का लिया था और 8,000 रुपये की महीने की EMI पे लिया है। तो ये रूम आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मोरिया में आप लोग जो है मोरिया ग्रुप आनंद होम, उसका नाम आनंद होम है, और वो आनंद होम में आप लोग ज़रूर आइएगा। 2 और 3 तारीख को हम लोग ने ओपनिंग रखा है उसकी, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। 2 या 3 तारीख को हम लोग जो है बरोबर वहाँ पे ओपनिंग रखे है और खाने का प्रोग्राम रखा है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो मेनू भी बहुत अच्छा है और 21,000 रुपये बुकिंग अमाउंट जो है रिफंडेबल है। साथ में 2,67,000 रुपये का प्री बुकिंग करने पे लॉन्चिंग में भी है, तो भूलिएगा नहीं और हमारे पास ज़रूर आइएगा। तो चलते हैं हम लोग अभी विनायक सावंत भाई का रूम देखते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये विनायक सावंत भाई का रूम है और अभी इस वक्त जो है इनके रूम का मैं पोजीशन देने जा रहा हूँ। और इस रूम को जो है 300 स्क्वायर फीट का रूम है। चलिए देखते हैं इनके रूम को। तो ये विनायक सावंत जाई का रूम है और ये बाहर से आप देख रहे हो जैसे पूरी ढोलपुरी वगैरह लगा के हमने दिया है। तो हम लोग रूम के अंदर चलते हैं। रूम के अंदर जो है इन्होंने पर्दे वगैरह भी बहुत खूबसूरत लगाए हैं। तो ये देखिए रूम के अंदर ये है इनका 300 स्क्वायर फीट का रूम। और हाफ टाइल्स जैसे हम लोग हर कस्टमर को लगा के देते हैं, वैसे हाफ टाइल्स लगा के कुर्सी वगैरह लगा के ला के रखे हैं विनायक भाई ने। सामने आप जैसे देख रहे हो ये डार्क कलर जैसे दिया है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, वो भी टोटल कंसील फिटिंग के साथ में है। ऊपर PVC सीट और देखो इन्होंने रूफ लाइट लगाया है, लाइट भी साथ में लगाया है। और ये हाफ टाइल्स, ये 10x10 का हॉल है इनका। सामने देखो पर्दा वगैरह अच्छे से लगाया है इन्होंने। तो हम लोग जो पर्दा लगा करके देखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पर्दा लगाने के बाद में। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए ये एक कंसील यहाँ पे भी है और ऊपर एक स्विच वो दिया हुआ है होल्डर। और यहाँ पे भी पर्दा लगाया है और यहाँ पे फैन लग जाएगा इनका। ये है 10x10 का, जैसे हम लोग हर कस्टमर को देते हैं वैसा ही 10x10 का इनका है हॉल। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं बेडरूम के अंदर। विनायक भाई जो है यहीं रह रहे हैं हमारे विनायक भाई। तो ये देखिए 10x10 का ये भी बेडरूम भी है। ये देखिए उसके ऊपर PUC सीट जैसे हर कस्टमर को करके देते हैं, पर्दा को लगाने का कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और यहाँ पे कबाड़ उबाड़ रख दिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा स्पेस है। 2 मशीन है इनके पास, लगता है इनके घर में कुछ टेलर का काम होता है। यहाँ पे देखो कंसील बोर्ड यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे भी कंसील बोर्ड किया हुआ है। ऊपर आपके सामने यहाँ पे भी होल्डर दिया हुआ है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं किचन में जो है, हम लोग ने कहा था जैसे कि कस्टमर लोग जो है हमारे यहाँ पे पहले बोर्ड चालू करके देखते हैं। ये देखिए लाइट लग गई है। ये किचन में एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन का पॉइंट और फ्रिज का पॉइंट। तो आपके सामने जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी उन्होंने पर्दा लगाया है। तो ये किचन के साइड में चलते साथ ही आपको दिखता होगा यहाँ पे एल टाइप का किचन है। ये एल टाइप का किचन है और यहाँ पे देखो फ्रिज रखी हुई है और वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे मांडल लगाया है इन्होंने। तो उसके बाद आपको दिख रहा है किचन के ऊपर फुल टाइल्स हमारे तरफ से जैसा हम लोग करके देते हैं। ये किचन जो है एल टाइप का किचन है। यहाँ पे भी उनका दो नल वगैरह है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ये 2 सेल्फ जो है इन्होंने एक्स्ट्रा में लगवा के लिया है। 1000 लीटर पानी की टाकी करवा के लिया है। आमने सामने टॉयलेट बाथरूम करने से वॉश बेसिन सामने आ गया। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बाथरूम है इनका टॉयलेट, और ये टॉयलेट में भी फुल टाइल्स हमारे तरफ से रहती है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक सेल्फ लगवा के लिया है इन्होंने और बाल्टी वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। तो काफी अच्छा स्पेस मिल गया है। यहाँ पे भी देखो उन्होंने बना के लिया है। ये देखिए आपके सामने पर्दा ये सब रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टॉवेल वगैरह लटकाने के लिए, यहाँ पे फ्रिज भी रखी हुई है, शायद फ्रिज चालू भी होगी।
तो हमारे विनायक भाई जो हमारे से इन्होंने बुकिंग कराया था, तो हम लोग के विनायक भाई भी जो यहीं पे ही है, तो हम लोग बात करेंगे हमारे विनायक भाई से, इन्होंने किस तरीके से हमारे से रूम लिया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया, मुड़िया नगर में हमारे विनायक सावंत जी का रूम है, और ये उनकी फैमिली है, इनका एक लड़का भी है जो कि अभी वो गाँव गया है और वो यहाँ पे है नहीं अभी। तो जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरा 1 BHK का रूम है, और 1 BHK 300 स्क्वायर फीट में हमारे विनायक भाई जो है, बात करते हैं हमारे विनायक भाई से। नमस्ते विनायक भाई, नमस्ते नमस्ते प्रेम कैसे भाई। हो विनायक भाई? ठीक है, तो विनायक भाई कहाँ रहते हो आप? मैं फिलहाल रहता तो रत्नागिरी, रत्नागिरी रत्नागिरी से अभी डायरेक्ट इधर आया। अच्छा हाँ, आपको मैं 2021 में देखा था मैंने यूट्यूब पर, हाँ बरोबर है। उसके बाद मैंने टिटवाला में जितने बिल्डर है उनका सबका वीडियो देखा, अच्छा लेकिन आपको ही सिलेक्ट किया। अच्छा क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्रेम भाई एक अच्छा इंसान है और आपके हंसी पे फिदा हो गया, जी भाई। इसलिए मैं सीधा सीधा आपके पास बुकिंग किया। जून में 8,000 आके मैं और मेरी वाइफ बीवी, ने भरे, हाँ, और जुलाई में गूगल पे किया और हाँ। डायरेक्ट अगस्त में 2 लाख को पजेशन का फुल अमाउंट फुल अमाउंट आपने पेड किया। तो विनायक भाई जैसे आप रत्नागिरी से छोड़ के डायरेक्ट इधर पे आ गए थे, कितना ट्रस्ट आपको अचानक से कैसे हो गया? मतलब कि ऐसा डायरेक्ट अपने पैसा वगैरह पेड कर दिया, तो इतना ट्रस्ट हो गया आपसे? थोड़ा क्या मालूम है, मैं काउंसलिंग का काम करता हूँ, हाँ 12 और 10 का, हाँ पर काउंसलिंग 10 साल से कर रहा हूँ, तो आदमी से पता चलता है मुझे कि आदमी कैसा है, इंसान कैसा तो है। यानी आपको इतना तजुर्बा है कि सामने वाले से बात कर रहे हो कि वो आदमी पैसा दे के रख लेगा, या फिर आपको इतना तजुर्बा था तो इसने अपने डायरेक्ट अमाउंट, बिंदास डाला तो भाभी वगैरह को बताया था आपने ये सब? मैं इसको यकीन नहीं था शुरू में, हाँ बाद में पता चला जब आपके ऑफिस में आके बैठी, हाँ, आपसे बात की। तो भाभी इन्होंने आपको वीडियो दिखाया था? दिखाया था। तो आपने वीडियो पूरा, कब से वीडियो देखने लगे आप लोग? मई महीना 2021, 2021 में। ये भाभी भी साथ में देखने लगे? हाँ। ये कौन है साथ में आपकी? मेरी बेटी है, छोटी बेटी। अच्छा, मेरा बेटा है इंजीनियर है। तो आप जो बोल रहे थे शिफ्टिंग लिए आपकी बेटी के हाँ, लिए यहाँ पे वजह से लिए, इनको थाना में एडमिशन मिला इंजीनियर कॉलेज न्यू ओरिजिन आनंद नगर डेपो है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, तो आप थाना की यहाँ से ट्रैवलिंग रोड डेली करेंगे? नहीं, अभी हॉस्टल में फिलहाल उनका हो। अच्छा, हॉस्टल में डायरेक्ट रहेंगे वहाँ पे मुलुंड में? मुलुंड में, तो वहीं के वहीं रह करके वहीं जा सकते। ओके ओके ओके। तो फिर अभी जैसे कि मैंने कहा कि आपके सामने यहाँ पे घर बन रहा था, तो ये सारा काम जो है जितना भी आपने अपने आंखों से देखा, आंखों से देखा और अपने आपके सामने करवा दिया, सब ठीक। काम लेट क्यों हुआ था यहाँ पे? क्या कमी थी जो यहाँ? ईंट का प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? ईंट का प्रॉब्लम था। वो रियल प्रॉब्लम था या फेक था? रियल था। मैं ईंट वाले से, फैक्ट्री वाले से बात भी की मैंने, हाँ, तो क्या वाले से, हाँ। तो बाद में वो ईंट एडजस्ट करके आपने मेरा घर खड़ा किया, खड़ा कर दिया। तो ये रियल बात है जो कि हम विनायक भाई से पूछ रहे हैं। ठीक, विनायक भाई कहाँ रहते हो अभी इस वक्त कहाँ रह रहे हो? इधर मोरिया नगर। मोरिया नगर में रेंट पे रहते हो या फिर? रेंट पे रहता हूँ इस वक्त, मोरिया नगर में रेंट पे रहते हो। अभी यहाँ पे शिफ्टिंग कब ले लेंगे? अभी चालू है शिफ्टिंग, चालू है। तो अभी हमारे शिफ्टिंग जो है मोरिया नगर से यहाँ पे शिफ्टिंग चालू है हमारे। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे विनायक भाई इतना हमारे साथ में जुड़े रहे और हर महीने के EMI के बेस पे से लिए थे, 2 महीना इन्होंने भरा, फिर तीसरे महीने में डायरेक्ट अपनी मुझे अमाउंट 2 लाख 2 लाख रुपए इन्होंने पूरा कर दिया। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे साथ में विनायक भाई जो है, हमारे विनायक भाई ने हमारे को 2021 से फॉलो करते हुए आए, और मेरे ख्याल से कुछ कितने महीने फॉलो किए थे हमारे को? 3 महीने का, 3 महीने में आपके ऊपर मैंने ट्रस्ट रख के पैसा पेड किया। अच्छा, तो ये ट्रस्ट आपका खरा उतरा और आपको घर भी खरा उतरा, एकदम खरा उतरा, एकदम खरा उतरा, 100%। तो ये अभी जो इस वक्त मुड़िया नगर में इन्होंने घर लिया था, कितने में घर लिया ये विनायक भाई? ये घर पूरा 8 लाख का है। ये घर पूरा 8 लाख रुपए का 1 BHK, 300 स्क्वायर। तो इसका EMI कितना है? 8,000 पर मंथ, 8,000 रुपए पर मंथ का EMI है। तो अभी इस वक्त रूम की कीमत कितनी है? अभी 8-25 हो गई शायद, ऐसा सुना मैंने, 8-25, 25,000 बढ़ गए, 25,000 बढ़ गए। अगर इस रूम को कोई खरीदने वाला, मैं 1 महीना पहले बुकिंग करता तो मुझे 7.5 लाख में मिलता था। अगर ये रूम किसी और को चाहिए रहेगा तो? किसी और को यानी बेचने का? हाँ, तो नहीं बेचने का, नहीं बेचने। कभी रेंट पे रहे हो इसके पहले? कहाँ, कितने साल रेंट पे रहे? कम से कम 2015 से रेंट पे था। 2015 से रेंट पे निकाले? मेरा गाँव कैसा सिटी से बहुत लंबा है ना, तो कॉलेज विलेज जाने के लिए इनको दिक्कत होती थी। अच्छा, ये भी टीचर है? नहीं, अच्छा तो फिर आपको यहाँ पे टेंशन वगैरह बिल्कुल?
अभी इस वक्त घर में आने के बाद में शिफ्टिंग लेने का अभी कैसा है, मतलब खुद का अच्छा फीलिंग हो रहा है? किसी की झंझट वगैरह? अच्छा फीलिंग है। किसी की झंझट नहीं कि भाई मेरे घर जल्दी खाली करना है या फिर कुछ नहीं? कुछ नहीं, खुद का हुआ ना अभी, खुद का हुआ अभी, कोई झंझट नहीं रहेगा अभी आपको, महीने का 8,000 रुपए देने का खाली वो रहेगा। तो हमारे विनायक भाई जो है इस वक्त, हमारे विनायक भाई को जो है 7-8 साल के बाद जो है इन्होंने ये घर हमारे से परचेस किया और बहुत ज्यादा भरोसा भी किया और इस रूम के अंदर तुरंत शिफ्टिंग भी ले लिए हैं। जब बनने के बाद में देखो आपके सामने, जैसे मैंने थोड़ा बहुत सामान दिखाया, उन्होंने शिफ्टिंग कर लिया। बहुत अच्छा लगता है अपना खुद का घर बनने के बाद में जब शिफ्ट होते हैं तो, जैसे हमारे विनायक भाई और हमारे साथ जुड़े भी रहे, बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजन भी लिया, टीचर है करके इनको थोड़ा सा नॉलेज भी है लोगों से बात करने का, तो इस तरीके से मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट भी हो गया इनको। अगर पैसे डूब जाते तो क्या होता? बिल्कुल नहीं डूबते, घर मिल गया ना इसके लिए तुमका भरोसा हुआ है? नहीं, आदमी परिम भाई पर पूरा ट्रस्ट है मेरा, घर मिल गया, पैसे का कोई टेंशन नहीं था मुझे, मुझे खाली रूम बनना चाहिए बस। ये तो बात सही थी। हमारे विनायक भाई को 2-3 बार मैंने बोला भी अगर चाहिए तो, देखो विनायक भाई क्या है, ईट नहीं आ रही है, फैक्ट था, तो मैंने बोला कि अगर चाहिए तो विनायक भाई आप अपने हिसाब से थोड़ा पैसा अगर लेकर के जा सकते हो यहाँ से तो मैं दूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा लेना ही नहीं है भाई, मैं रूम बना करके दो, और रियल में इन्हीं को एडजस्ट करके मैंने फास्ट इनका काम भी करके आपके सामने पूरा काम। तो विनायक भाई जो है हमारे इस वक्त घर के हकदार और 7 साल के बाद इस रूम की चाबी, मिठाई हमने ले चुकी है, मिठाई का टेंशन मत लीजिएगा, विनायक भाई ने हमारे को पहले मिठाई दे दी, इनके पास अभी इस वक्त सिर्फ लेने के लिए ताला है और कुछ नहीं, हमारा काम है बताने का। तो विनायक भाई ये आपका, आपको ताला चाबी बहुत बहुत मुबारक हो, और हम भी चाहेंगे इनका ये घर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इनके लिए दुआ कीजिएगा कि इनका ये घर इनको कामयाबी दे और इनको कोई चीज की तकलीफ ना रहे, इस घर में ये हमेशा खुश रहे। और अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, विनायक भाई को जो है कांग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा कमेंट्स में जा करके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ईएमआई पे ले रहे हैं, रीजन ये है कि इकट्ठा देने के लिए पेमेंट किसी के पास नहीं रहता है, सही बात है? सही बात है। तो इंस्टॉलमेंट की सुविधा मिलने से आप लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, हर महीने की ईएमआई बेसिस पे आप ले सकते हो, 1 RK 5,750 रुपया, 1 BHK 8,250 रुपया, 2 BHK 10,750 और 3 BHK 15,750 रुपए का ईएमआई रहता है, हर महीने 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 आपको ईएमआई भरते रहना है। और आपका 1 RK का 1.5 लाख, 2,25,000, 1 BHK का 3,25,000, 2 BHK का और 4,72,500, 3 BHK का हो जाने के बाद में आपको रूम का पोजिशन मिलता है। आप लोग जितना देर करोगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जगह खत्म हो जाएगी वैसे वैसे जगह का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना? बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे विनायक भाई यहाँ पे रह के एरिया को देख भी चुके, ऑब्जर्व भी कर चुके, अच्छा भी लगता है, स्टेशन नजदीक है, गणपति मंदिर कितना दूर है यहाँ से? 5 मिनट, 5-6 मिनट पैदल जाने पे, पैदल जाने पे 5-6 मिनट लगता है इनको यहाँ पे। तो आप भी दोस्तों देर मत कीजिए, बुकिंग कीजिए। और मेरे पास जो है अभी इस वक्त मैंने कहा कि आनंद होम जो है हम लोगों का सबसे 400 फ्लैट का प्रोजेक्ट चालू है, अगर आप लोग उसके अंदर आकर विजिट करेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। हमारे जो भी जूने कस्टमर है, जो भी नए कस्टमर है, जो भी सब्सक्राइबर है देख रहे हैं हमारे को, तो हमने उस दिन लंच का प्रोग्राम रखा है, तो आप लोग जरूर आइएगा, विजिट कीजिएगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन हम लोग ने अच्छा ऑफर रखा है, 2,67,000 रुपए आपके बच जाएंगे, प्री लॉन्च में हम लोग ने ये ऑफर रखा है। तो आपको पीएम योजना जो है हम लोग पहले ही दे दे रहे हैं, तो वो रूम की कीमत है 18 लाख रुपया, तो जो 21,000 रुपए देखिए बुकिंग कराएगा वो भी 21,000 रुपए रिफंडेबल है, ऐसा ऑफर कोई नहीं देगा। तो आइए देखिए, पसंद कीजिए, फिर उसके बाद में बुक कीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि किसी ना किसी जरूरतमंद को ये वीडियो पहुंच जाए। विनायक भाई को वीडियो किसी ने शेयर किया था या मिल? नहीं, मैं खुद देखा, आप यूट्यूब पे सर्च करते करते आया। अच्छा, मैंने रूम के बारे में सोच ही रहा था, सोच रहे थे, तो ऐसा कर करके टिकवा लाया। तो हमारे विनायक भाई को किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया, लेकिन अगर आप भी वीडियो शेयर कर देंगे तो एक किसी के हकदार बन जाएंगे, कि मतलब वीडियो शेयर करने से शायद से आपका घर बन जाएगा। हम किसी को साथ धोखाधड़ी कभी नहीं करते हैं, जैसे हमारे विनायक भाई ने कहा कि कुछ लेट पास हो सकता है लेकिन धोखाधड़ी नहीं हो सकती, 100% है। तो जैसे दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो भी चाहो बुकिंग कर सकते हो, ओपन प्लॉट, रेडी रूम, फ्लैट प्लॉट सब चीज मिलेगा, हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के रखिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।